वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी बहुत ही यूनिक होगा। तो पहले इसमें हम ओट्स डाल लिया है, अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल के सोक करेंगे। ऐसे ही हम 15 मिनट रख देंगे। अब 15 मिनटों के बाद ये अच्छी तरीके से सोक हो गया है। आप इसमें हम थोड़ा सा बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर ऐड करेंगे। अब एक के बाद एक मसाला ऐड करेंगे, चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और जीरा पाउडर ऐड करेंगे। आप इसमें हम थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड करेंगे, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसमें अंडे डालकर अच्छी तरीके से ये मिक्सचर को फेंट लेंगे। अब थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे। इससे बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। अब ये स्लाइस किया हुआ पोटैटो इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ऐसा करने से ये स्लाइस किया हुआ पोटैटो में ये बैटर अच्छी तरीके से चारों तरफ लग जाएगा। अब इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करेंगे। देखिए कितना सुंदर हुआ है। इसका मेन इंग्रेडिएंट ओट्स और पोटैटो है, तो इसको हम ओट्स फ्रेंच फ्राई भी कह सकते हैं। अब ये रेसिपी आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना ये ओट्स फ्रेंच फ्राई कैसा हुआ।